इसको फोटो इलेक्ट्रिक ईल्ड मतलब एफिशिएंसी है ना, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक ईल्ड ईटा से। भाई क्वेश्चंस तभी सोल्व होंगे जब तुम्हें समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सिर्फ ये इक्वेशन तो वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ इस अकेले से सोल्व नहीं होंगे, चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने 1000 फोटोन्स गिराए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, ईटा को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग। और इसकी वैल्यू जनरली क्या होती है, जनरली समवेयर अराउंड होती है भाई 0.0012 0.0001, बहुत कम होती है मतलब इसकी वैल्यू है ना। अगर इसकी वैल्यू मान लो 10⁻⁴ निकल के आ गई ईटा की वैल्यू, तो इसका क्या मतलब है, अगर ईटा की वैल्यू 10⁻³ आई इसका क्या मतलब है, तो ईटा आएगा क्वेश्चन में कर लोगे आप। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो इसके इस तरह से लिख सकता हूं DNe/dt डिवाइडेड बाय DNy/dNp/dt। ये क्या बता रहा है, DNp बता रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, और DNe क्या बता रहा है, नंबर ऑफ DNe/dt क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। तो इक्वेशन जब लगानी पड़ेगी ना तो ऐसे लगेगा ना। आगे बढ़े, ठीक है, ऑल टर्म्स लिखते हैं, लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।